तो जुनेद आ गया है छुट्टी काट के इंडिया से। माशाल्लाह सामान बहुत लाया, अभी खोल लिया है। ओहो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। अब क्या क्या लाया जुनेद? ये घर वालों ने गोंद बना के दिया है। अच्छा, इसमें सब कुछ रहता है, फ्रूट वगैरह हाँ, है। और ये घर का मावा है, अच्छा और काजू कतली भी लाया मैं वहां अच्छा से। काजू कतली तिखाना उठा के। माशाल्लाह ये बहुत महंगी होती है इंडिया में। 800 रुपए किलो उस है, डब्बे में क्या है? उसमें बूंदी का लड्डू। बूंदी के लड्डू। अच्छा एक बात बता, ये काला प्रधान ये मुंह लटका के क्यों बैठा है? भाइयों काला प्रधान मुंह लटकाओ इसलिए बैठा, इसने बोल रहा था मिसे उड़द चावल बना के ला दियो। अच्छा तो उड़द चावल तो मैं ले आया था इसके, जैसे अच्छा उड़द चावल लेके जहाज में चढ़ा हाँ तो भाई खुशबू महक पड़ी, अच्छा सारा आदमी मेरे धोरा आ गए। अच्छा वो सब कहने लगे भाई ये खुशबू कहाँ से आ रही। अच्छा तो अच्छा इतने में जहाज में खुशबू महक उड़द चावल होगी? हाँ, अच्छा तो मैं बोला भाई मैं बिजनौर के उड़द चावल लेके आया। अच्छा इतने में ही पायलट ने सुन ली, अच्छा पायलट बोला 14 जहाज जब उड़ाऊंगा जब उड़द चावल खुलागा। अच्छा भाई मुझे वो खोलना पड़ा, अच्छा भाई खत्म हो गए। यो मुझे गाली दे रहा मारे, मैं क्या करूँ बताओ। तो भैया तुम्हारा कोई आएगा यार, मंगा लियो यार। वो भेजना चो 10 साल होगा इंतजार करते करते, पर मैं खुद उड़द चावल का जैसा हो गया। भैया ओ भैया ओ, अब कोई आवागा यार। भैया 10 साल से इंतजार कर रहा मैं। भैया यार तू भी यार थोड़ा सा पछा लगता यार। ला दूँ अगली बार ला दूँ।